ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन पिछले 25 साल से इंडो अरब रिलेशंस के लिए और साथ ही साथ जो NRIs वहाँ पे जो काम करके यहाँ पे वापस आते हैं उनकी भलाई के लिए, उनके यहाँ पे ग्रोथ के लिए और लोग वहाँ पे जो जाके काम कर रहे हैं उनके लिए जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करते आया है। अब इनको एंकरेज करना, सराहना, साथ देना हम जैसे लोगों का काम होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि लोग वहाँ पे जाते हैं बहुत सारा पैसा कमा के आ जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे दिक्कतें इनको पैदा होते हैं और साथ में वापस आने के बाद में अगर उनको यहाँ पे कोई एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है, न तो कोई घर लेना है, न तो यहाँ पे आके फिर वापस यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। इसमें सरकार की तरफ से, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सरकारों की तरफ से क्या मदद हो सकती है उसके ऊपर एक बहस होना चाहिए। हमने बोला है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा, शर्त है कि आप लोग सब मिलकर हम लोग को मेमोरेंडम दे कि आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग को बताएं तो हम लोग टेकअप करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी कहा है कि दुनिया को याद नहीं कब से जो है हिंदुस्तान का और गल्फ वर्ल्ड का रिलेशनशिप रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है इस्लाम हिंदुस्तान में एक हमले के तौर पर आया था, लेकिन आज गवर्नर साहब भी कह रहे थे और हमने भी कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम पहली बार तो केरला में आया और ट्रेड लिंक्स और बिजनेस के तौर पे यहाँ पे आया था, उसके बाद यहाँ पे फला फला फैला इस्लाम। तो हमारे कल्चरल और सोशल इंट्रैक्शन गल्फ वर्ल्ड से सदियों सदियों से हैं हमारे, और वहाँ से जो कुछ भी हम लोग सीखे और हम यहाँ से वहाँ जाने के बाद लोग वहाँ से सीख के और वहाँ से जो लोग हैं उनसे जो सीखे हैं उसमें हमें सामाजिक और अदबी इन्फ्लुएंस हमारे पूरे हिंदुस्तान पे हमेशा से रहा है। तो ये रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना है और साथ में जिस तरह से हमें एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिल रहा है पूरे गल्फ वर्ल्ड में, वो हमारे लिए एक बून है, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। हम लोगों ने आखिर में मैंने ये कहा, ख़ासकर केरला को बहुत फ़ायदा हुआ, कर्नाटका में मैंगलोर उड़पी और कारवार रीजन को बहुत फ़ायदा हुआ, हमने भी वहाँ पे जाके पर्सनली देखा है। मैं इन लोगों से अपील किया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आगे हट के कर्नाटका के दूसरे हिस्सों में भी जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत काम करना है और आपकी जो तरक्की भी हो, तरक्की का जो है एक हिस्सा उधर के एरियाज में भी आपको स्पेंड करना है, वहाँ पे इस्तेमाल यूज़ करना है ताकि वहाँ के लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। और उसके साथ में हमने ये भी कहा कि इस तरीके के प्रोग्राम्स होते रहें, लोगों की भलाई होते रहें और हम लोग सियासतदान की तरफ से और ख़ासकर जो MPs हैं MLAs हैं उनकी तरफ से जो कुछ भी मदद हो सकती है आप लोगों को हम लोग करेंगे करके हम लोगों ने बोला है। मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि ये केरल का जो शुरू हुआ ऑर्गेनाइजेशन और केरल से देश दुनिया से पूरे अरब मुसलमान वहाँ से आए और ये केरल से पूरे दुनिया भर NRIs फैले और ये लोग कर्नाटक में बेंगलुरु में बेस बना के जब इंडो अरब ऑर्गेनाइजेशन का बनाए और मेरे को बुलाए और उन्होंने जो भी किए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी मांग और मेरी उम्मीद सरकार से भी ना सही, ये NRIs लोग जितने भी हैं बेंगलुरु में 2025 से 30 को वर्ल्ड का बहुत बड़ा सिटी कंट्री का कंट्री में टॉप जो बेंगलुरु है यहाँ पे हम बेंगलुरु में इनको बेस बनाएंगे, हमें लोगों को हमें पूरा वेलकम करेंगे, इनके लिए बड़ा बेस बनाएंगे और अगर सरकार की मदद हो या ना हो इन्हों खुद एक बहुत बड़े फोर्स से हिंदुस्तान में आएंगे, आके कुछ करेंगे हिंदुस्तान को, जैसा वर्ल्ड में जितने ये NRIs तरक्की करें और वो तरक्की का निशानी जो इंडिया की इकोनॉमी जो GDP बढ़ी है वही कारण है जो हिंदू वर्ल्ड के कंट्रीज में भी इन्हें पहुंचाए थे NRIs, और ये इन्हें वापस आना है और वापस आके गवर्नमेंट सरकार दे या ना दे हमारा कंट्री हमारा स्टेट बेंगलुरु में इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े चीज़ें आगे है और बेंगलुरु एक बड़ी इकोनॉमिक सिटी बनेगी। तो इसलिए यही सोचते हुए भी इन्होंने बेंगलुरु में पहला ये कन्वेंशन ये अपना ये रखे थे आज, तो ऐसा हिंदुस्तान भर पूरी जगह भी इन्हों करेंगे हमारे इदारे वाले। बड़ी खुशी है कि भाई NRI को हमें आएंगे क्या नहीं आएंगे नहीं, हमारा फ़र्ज बनता है हमें ये लोगों को बेंगलुरु में इनको बेच दें, हमें इनकी मदद करें, इनको आसरा बने और उनका डेवलपमेंट और भी बेंगलुरु को तरक्की करें। इंडो अरब रिलेशनशिप एंड अनदर थिंग इज रिहैबिलिटेट द पीपल
rapid Indians, overseas Indians who are coming back and giving guidance, creative guidance to how to rehabilitate them and how to do the business, how to invest their money, hard money in the, because of the most of the people money, they are investing without any proper way. If you want to give the main aim of the, because we are asking, requesting Mr. Adam Pasha guidance, how to invest the people. You are giving guidance and advice the people who are coming back. You know, the people who are coming back in overseas Indians, where the conditions are very, very bad, very, very poor. Even though they are, especially in Gulf countries, they have worked 30, 40 years working there. Without empty hand, they are coming back. Because the duty of the government and duty of the people, this Alam Pasha, to how to develop the country and develop the people, and the family of them, to safeguard the family. Your intention is good, but here there are companies like this. Yes, everywhere is the duty of your media. To guide to what is good, what is bad. And duty of the media of the people is how to guide them. This is not our duty. You are the people who guide NRS. All of us, all of you, we have to thank them. Thank you. Basically, Bangalore se hon. My early 90s mein Gulf ko gaya tha. Alhamdulillah, I worked in Qatar, UAE. Phir 2000 wahan pe business bhi kiya, kaam bhi kiya. I mean, I was heading the entire Middle East. I was into textile business. Then in 2008-09 I came back. वापस आके मैं यहाँ पे खुद establish किया. Alhamdulillah, textile business खुद start किया है. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि not necessary कि Gulf आने के बाद में Gulf से वापस आने के बाद में लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. मेरा एक example है, came back successfully. बिज़नेस टेक्सटाइल बिज़नेस कंप्लीट किया. मैं अभी भी टेक्सटाइल लाइन में ही हूँ और आगे चल के एक जो मिथ है वापस आने के बाद लोग स्ट्रगल करेंगे, ऐसा नहीं है.